गरुड़ विकास खंड के ग्राम लश्कर खेत में सड़क की मांग को लेकर ग्वालदम मोटर मार्ग के छुआ बैंड में ग्रामीणों ने धरना दिया तथा सड़क जाम कर दी। नाराज ग्रामीणों ने कहा कि बीते कई सालों से ग्रामीण सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार गांव के लिए सड़क का निर्माण नहीं कर पा रही है। ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार राठी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने हाईवे जाम किया तथा सड़क की मांग को लेकर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। धरना स्थल से ही ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग, वन विभाग तथा जिला प्रशासन से फोन पर वार्ता की। बाद में बागेश्वर की तहसीलदार दीपिका आर्य ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से वार्ता की तथा सड़क की मांग पूरी करने का भरोसा दिलाया। ग्रामीणों ने तहसीलदार के आश्वासन पर फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन चेतावनी दी है कि यदि गाँव के लिए सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर कांग्रेस ने घोषणा की तो बीजेपी उस काम को नहीं करेगी? इसी वजह से ये 2015 की घोषणा आज तक रुकी हुई है, और मैं शासन और प्रशासन और सरकार के आपके चैनल के द्वारा सबको ये सचेत करना चाहता हूँ। मैं प्रधानमंत्री को 15 दिन पहले एक लेटर भेजा था, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री जी कहते तो ये है कि मैं गरीब जनता की सुनता हूँ, उन्होंने हमारे लेटर का जवाब तक नहीं दिया। तो वो अब यहाँ आके जो भी होगा, अब शासन प्रशासन या सरकार यहाँ आएगी और हमसे बात करेगी, अन्यथा हम नहीं उठते। मैं 5-6 साल से हो रही है और हम हर दो महीने में शासन प्रशासन को, सरकार को जगाते आ रहे हैं कि हमें रोड की सख्त जरूरत है। हमारे यहाँ से माता बहनों की कैजुअल्टी हो जाती है, कोई प्रेग्नेंट होते हैं वो ऊपर नहीं आ पाते। 15 की घोषणा है तो जी, जब विधायक बने उसके बाद जो वे मंत्री की शपथ लेने दे रहा था उनका यही छुआ बैंड पे, वो हमारे गांव वालों के सामने और मेरे सामने मुझे आश्वासन दे के गए थे कि मैं देहरादून जा रहा हूँ, देहरादून से तब लौटूंगा जब तुम्हारी रोड आ जाएगी। वो भी वहाँ जाकर भूल चुके, और सरकार और जितने नेता आते हैं ये सब वादे जरूर करते हैं, जब इनका मतलब निकल जाता है सब भूल जाते हैं। और इस रोड से कम भी लोहार घाटी को, हमारे लश्कर खेत को, छुआ को कम से कम 10-12 हजार आदमियों को इसका लाभ मिलेगा, जिसको शासन प्रशासन और सरकार अनदेखा कर रही है, और उसको अब इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। हमारी रोड यहाँ पे काम चालू नहीं हुआ और इसके लिए हमें बार बार रोड पे बैठना पड़ता है अपने काम धंधे। आजकल काम धंधों का कितना टाइम है, फिर भी हमारे गांववासी इतने परेशान हैं, इतनी समस्या में भी अपने काम धंधे छोड़ के इस रोड की समस्या को लेकर आज रोड पे बैठे हैं। और मैं आपके चैनल के द्वारा शासन प्रशासन को जागरूक करना चाह रहा हूँ, सचेत करना चाहता हूँ कि ना तो हम जेल जाने से डरेंगे, ना हम मुकदमा लगने से डरेंगे। या तो हमें रोड दें, या हमें कोई ऐसा आज लिखित में कोई ऐसा आश्वासन दें जिससे हम संतुष्ट हों, तब हम रोड पे से उठेंगे। अन्यथा आज क्या 10 दिन हो जाए, 1 महीना हो जाए, साल हो जाए, हम रोड से नहीं उठेंगे। अभी थोड़ी देर में हमारा दाल भात भी यहीं बनेगा, चूल्हा रोड में लगेगा। बाकी शासन प्रशासन को जो करना है करते रहें। अब जो हमने शासन प्रशासन का यकीन किया था, अब हमारा यकीन टूट चुका है, अब हमारा धैर्य खो चुका है। अब हमारे जितने बच्चे हैं, छोटे छोटे हमारी माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, जो 90-90 साल के बुजुर्ग हैं, जो 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़का रहे हैं, जब सरकार को उनका दुख नहीं दिख रहा है, तो हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। सरकार अपना देखे, हम अपना देखते हैं। हम लोगों को रोड पर इस पर आना पड़ रहा है कि शासन प्रशासन के द्वारा जो घोषणा की गई थी और आश्वासन दिया गया था, पूर्ण आश्वासन दिया गया था कि हम छुआ से नीचे मैन पिंगलो रोड पर इसको मिलाएंगे, और यह आप लोगों की जेन्युइन समस्या है, हम इसको देख रहे हैं। महिलाएं इस रोड से जो है राशन पानी साग सब्जी तो वो अलग चीज़ है, यहाँ से कंक्रीट पत्थर लोहा बजरी सीमेंट अपने सिर में रख करके ऐसी भौगोलिक परिस्थिति ये रास्ता है। यदि कोई महिला सीमेंट ले जा रही है, चाहिए कि प्लेन समय जो है
ऑन दी ग्राउंड रोड, ओवरग्राउंड रोड, अंडरग्राउंड रोड बन सकती है। हर गली में रोड बन सकती है, हर मोहल्लों में रोड बन सकती है। तो क्या यहाँ पहाड़ में रोड नहीं बननी चाहिए? यहाँ पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जो है यहाँ रोडें बननी चाहिए। यहाँ गांव अलग अलग जो है टापू में रहते हैं और उनकी जनसंख्या वहाँ पर सीमित रहती है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है यहाँ पर जो है उतने ही परिवार यहाँ पर रह सकते हैं जितना वहाँ पर की जगह है। और वो कहते हैं कि ये मानक के अंदर नहीं आता है, ये जो है PWD के मानक के अंदर नहीं है। तो मैं इनसे आगाह करना चाहता हूँ, जब 1947 में जो भारत का संविधान बना अंग्रेज के समय में, वो संविधान आज शासन प्रशासन ने जो है अपने हित में उसको चेंज कर दिया। CCA न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।